एग्जाम्पल बेस्ड ऑन सी पी एंड सी वी, एग्जाम्पल बेस्ड ऑन सी पी एंड सी वी में पहला फॉर्मूला बता दिया सी पी माइनस सी वी आर है जब यूनिट्स किस में है, जूल पर मोल में है। नेक्स्ट है सी पी माइनस सी वी आर बाई जे है, तो ये यूनिट्स हैं, ये सब हमने कर लिया, कोई फ़ायदा ही नहीं है, एक ही फॉर्मूला याद कर लो, मेरे हिसाब से इसके ऊपर कोई फॉर्मूला है ही नहीं, जो कन्वर्ट करना होगा कर लेंगे हम, सीधा न्यूमेरिकल पे चलते हैं। कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, जब ये स्टेटमेंट आएगी ना तो क्या निकालना है, सी वी। अब दूसरा क्वेश्चन माइंड में आता है छोटा सी वी कि बड़ा सी वी, ये भी प्रॉब्लम है, सी वी तो निकालना है, छोटा कि बड़ा, क्या कह रहा है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर दे रहा है, यूनिट्स पढ़ो कैलोरी पर, तो बड़े की बात कर रहा है, अगर ये ग्राम या केजी होता फिर ये छोटे की बात करता, तो इसका मतलब क्या है, और ये जूल नहीं है भाई, ये कैलोरी है, अगर ये कैलोरी है तो सीपी बड़ा सीवी इज इक्वल टू टू, छोड़ो एक ही फॉर्मूला करवाया, टू लगा दो, टू क्यों लगा दो, क्योंकि आपको सीपी की वैल्यू क्या गिवन है, 6.85 कैलोरी पर मोल, अगर जूल होता तो मैं 8.31 लगाता, अगर कैलोरी में चल रहा है तो यहां पर टू आएगा, अब ये टू आ गया, निकाल लो सीवी की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी इक्वल टू सीपी माइनस टू, सीपी की वैल्यू पुट करके टू आंसर आ गया था। क्या ये बात समझ में आ रही है यहां तक, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम गैस एट एसटीपी गिवन एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम गिवन एंड ये सब कुछ गिवन, इंपॉर्टेंट है, उसने बोला पर मोल नहीं बोला पर ग्राम, आपको क्या आता है आप ये डिसाइड कर लो, आपको सबसे पहले आपको डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है, सी पी माइनस सी वी, अब बड़ा सी अगर यूज करते हैं तो इसका डिफरेंस क्या होगा, 8.31 जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस केल्विन एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंस यूज कर लिया, उसने बोला ही नहीं पर मोल, उसने बोला पर ग्राम, तो ऐसा करो फिर पर ग्राम कर लो, पर ग्राम करने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल एम इंटू सी पी हो जाएगा, कैपिटल एम इंटू छोटा सी वी हो जाएगा 8.31, तो यहां से सी पी माइनस सी वी की वैल्यू 8.31 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम हो जाएगा, और कैपिटल एम की वैल्यू कितनी गिवन है, 4, तो यूनिट्स क्या चलेंगे, जूल पर मोल पर, पर अगर ये कैलोरीज में कन्वर्ट करना हो एक बार और 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर ये पर कैलोरी भी हो सकता है, जरूरत क्या है, जूल में छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो आंसर, ये लिख लो सॉल्यूशन के और तरीके से किया हुआ है, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है यहां तक।
ठीक है, ये लो क्या क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस इज गिवन। सीपी माइनस सीवी 8.31 होता है भाई, ये तो बहुत बड़ा है, तो ये बड़ा सीवी तो हो नहीं सकता, ये छोटे ही हैं, तो ये छोटे हैं कैसे पता लगा, जूल पर मोल नहीं है ना, तो छोटे ही हैं, स्पेसिफिक हीट है। क्या निकालना है, रेशियो पता है सीपी सीवी की 1.6 है, ये करेक्शन करो, फाइंड टू स्पेसिफिक हीट करो बस, फाइंड टू स्पेसिफिक हीट, सीपी सीवी निकाल दो, बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों का डिफरेंस पता है, दोनों की रेशियो पता है, सॉल्व कर लेना यार सीपी सीवी आंसर, कुछ करना ही नहीं है इसमें तो, क्लियर है यहां तक? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।